हमें बारंबारता सारणी दी हुई है और एक संचयी बारंबारता यानी कि FI दे रखा है और हमें इसका माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए पहले बारंबारता सारणी देख लीजिए, FI की वैल्यू देख लीजिए। अब माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा से मतलब है कि इन सब का ऐड, या FIXI फाउंड करेंगे तो उन पूरों का ऐड, FI या तो इस सभी का ऐड। तो हम सिग्मा FI फाइंड करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30। तो सिग्मा FI की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30। बारंबारता सारणी दे रखी। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा FI तो आ गया, FIXI चाहिए। फॉर्मूले में देखेंगे तो FIXI के लिए हमें एक XI चाहिए, FI तो है। अब XI फाइंड करेंगे, XI फाउंड करने के लिए हमें बारंबारता श्रेणी देखनी होगी। तो अब देखिए बारंबारता श्रेणी की पहली लाइन है 0 से 10, इनको ऐड करेंगे 10 ही आएगा, 10 में हाफ करेंगे 5, इन दोनों को ऐड 30, 30 का हाफ 15, इसी प्रकार इन सबको ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे तो ऐसे बनता जाएगा। फिर आएगा 25, अब आएगा 35, अब आएगा 45। अब हम FIXI फाउंड कर लेंगे। FIXI के लिए इन दोनों को, FI और XI को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इनके लिए आएगा 7 5 जा 35, 15 6 जा 90, 25 9 जा 225, 35 5 जा 175, 45 3 जा 135। अब सिग्मा FIXI चाहिए तो इन सब का ऐड करेंगे हम, ये हो जाएगा 5 5 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20, 20 का 0 कैरी हो जाएगी 2, 9 इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा 2 कैरी ऐड कर लिए हम, 26 6 कैरी 2, फिर से कैरी आ गई 2 और ये आ जाएगा 660। FIXI का योग आ गया 660, ये FIXI की जगह लिख देंगे तो 660 अपॉन FI की वैल्यू है 30, तो अपॉन में 30 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो इन डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22, तो इसका माध्य आएगा 22। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्यक, माध्यक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास श्रेणी दी गई है, इसी क्वेश्चन के माध्य ज्ञात करेंगे। तो श्रेणी दे रखे हैं, XI दे रखा है हमारे पास, बारंबारता सारणी दे रखी है, FI दे रखे हैं। इसका सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है NL+N/2 - C/F(H). NL+N/2 - C/F(H) ये माध्यक का फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमें एक चीज़, माध्यक के लिए हमें एक चीज़ अलग से ज्ञात करनी होती है, उसे बोलते हैं सी। अब सी कैसे ज्ञात करेंगे, सी का ज्ञात करने के लिए हमें एफ़ की ज़रूरत पड़ेगी, एफ है ही हमारे पास, तो अब हम सी फाइंड करेंगे। तो सी फाइंड करने के लिए सी लिखता हूँ मैं यहाँ पे 7, FI से ही बनेगा, पहली टर्म पहले को ऐड करके। सी की दूसरी टर्म कैसे बनेगी, FI के दोनों ऊपर के दोनों टर्म को ऐड करेंगे, आ जाएगा 13। सी की थर्ड टर्म कैसे बनेगी, FI की तीन टर्म जोड़ लेंगे, तीनों टर्म को ऐड करेंगे 22। सी का चौथा पद कैसे बनेगा, F के चारों पद को जोड़ लेंगे, सी का पांचों पद, पांचों पद को जोड़ेंगे, 30 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब ये देखना है N/2 बोल दो, N बोल दो चाहे सिग्मा FI बोल दो, यानी कि FI का योग बोल दो या N बोल दो, दोनों बराबर होते हैं। N/2 चाहिए, N की वैल्यू 30 है, तो 30 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 15। तो अब देखिए 15 से बड़ी वाली सी कौन सी है, सी की वैल्यू देखनी हमें जो 15 से बड़ी हो। तो ये तीसरी लाइन में आएगा, 22 है तो यही 22 बड़ा है, तो इस लाइन को हम कवर कर लेंगे, पूरी लाइन को कवर कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू है 20, जो बारंबारता सारणी में फर्स्ट पद होगा वो होता है L, इन दोनों का गैप कहलाता है H, कितना गैप इनमें 10 का, तो H हो गया 10।
सी की वैल्यू है, इससे ऊपर वाले लेनी है हमें, नीचे वाले नहीं लेनी है 13। एफ की वैल्यू जो बॉक्स कवर किया है वो एफ की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें सारी वैल्यू मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी अलग से वैल्यू लिख लेते हैं। एल की वैल्यू क्या हो गई 20, एन बाई टू की वैल्यू 15, सी की वैल्यू है 13, एफ की वैल्यू है 9, एच की वैल्यू है 10। तो ये फॉर्मूले सभी वैल्यू रख देंगे हम। एल की वैल्यू 20 प्लस एन बाई टू हो गया 15 माइनस 13। अब देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू हमने ऊपर वाली ही क्यों ली, नीचे वाली 22 भी ले सकते हैं जो लाइन कवर की, लेकिन 22 हम ले नहीं सकते क्योंकि 22 रख देंगे यहाँ पे। देखिए अगर हम देखिए यहाँ पे अगर 22 लाइन में ये 22 है यहाँ पे, लेकिन हम 22 नहीं रख सकते क्योंकि माइनस करेंगे 15 में से 22 नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए हम ऊपर वाली संख्या को यहाँ पे रखते हैं 13 रखते हैं। 20 प्लस 15 में से 13 ये 2 अपॉन 9 इंटू 10, 20 प्लस 20 अपॉन 9, 20 प्लस 9 का डिवाइड करेंगे 2.2 आ जाएगा, तो इसका माध्यक होगा 22.2।